ओवरब्रिज है जो कि 1.5 किलोमीटर दूरी में ये फैला हुआ है, तो देख सकते हैं काफ़ी लंबा है और ये चलते जा रहे हैं हम लोग, जो कि अब मदनपुर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर एक मंदिर है जो कि बहुत बड़ा मंदिर है, तो देखते रहिए वीडियो। और ये अच्छा हुआ हम लोग मछली नहीं खाए यार, लोग कह रहे हैं माता के दर्शन कराइए, हम लोग वहाँ से चिकन खा के चले हैं, दर्शन करना ठीक है। अपन यहाँ से आगे जस्ट बढ़ ही रहे थे, तब तक देख सकते हैं कि लमसम ये 10 किलोमीटर पूछने पर लोग बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक ले इसी तरह है, जो कि पूरी एकदम ख़राब रास्ता है जो कि बना नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग गाड़ी किस तरह अप डाउन करके आ रही हैं लोग किनारे कर कर के, और ये देख सकते हैं हमारी भी गाड़ी किस तरह हो रही है। अभी देखिए कितना ज़्यादा हिल रहा है कैमरा भी, और आप लोग आगे के जो गाड़ी आ रही है उसको देख कर अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ऊँच और कितना डाउन है पहले यहाँ। इतना तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा इस तरह। लोग देख सकते हैं माता का मंदिर का जो गेट है, हम लोग आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा रास्ता जो 3 किलोमीटर था बहुत ज़्यादा ख़राब था, और अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा गेट और चलते हैं। सो फ्रेंड, तो हम लोग मदनपुर में जो कि दुर्गा माता का मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं, और वो रास्ता आप लोग को दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, 3 किलोमीटर तक ले वो रास्ते पर हम लोग चले, और चलने के बाद आए हैं, और अभी हम लोग जस्ट देख सकते हैं पूरा ये लगा हुआ है जो कि छोटे छोटे दुकानें होती हैं और अपने अपने लगा कर होते हैं। अभी हम लोग मंदिर तक जा रहे हैं, और ये दोस्तों हम लोग पहली बार आ रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं, तो बैक कैमरा से दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा जो कि दुर्गा माता मंदिर जो कि मदनपुर का, और इधर कीर्तन हो रहा है जो कि हरे राम हरे कृष्णा, और यही आप लोग को दिखा रहे हैं, इधर बहुत सारे दुकान हैं, और हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं जो कि माता का दर्शन करने। जब हम लोग आए थे पनियावा तो सोचे हैं यहाँ पर भी चलकर दर्शन कर लिया जाए, पहली बार आए हैं तो आप लोग को यहाँ के तो उतना बारे में डिटेल में नहीं बता सकता, और तो यहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करेंगे तो आप लोग को बताएंगे यहाँ पर। तो अभी चलते हैं, पहले दर्शन हम लोग कर लेते हैं उसके बाद से आप लोग को दिखाते हैं। यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो भी आस्था लेकर के आता है महारानी उनका मनोकामना को पूर्ण करती हैं। यह जो है अनादि काल का स्थान है, बहुत सीधा स्थान है, मनोकामना पूर्ण करने वाली महारानी है, और यूपी बिहार पूरे भारत वर्ष के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। तो जैसे कि आप लोग को सुने कि यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, और जो कि हम भी लोग आए हैं जो कि भटनी से, और आप लोग देखे हैं, और यही है कि अब यहाँ से हम भी लोग अलविदा लेते हैं, दर्शन वर्शन कर लिए हैं हम भी लोग। सो फ्रेंड, तो जैसे कि देख सकते हैं सर भी हम लोग के साथ हैं, और ये मोंचिक भी है, और सर ने एक अभी कैमरा खरीदा है, और ये देख सकते हैं कैनन 200D है। कैनन 200D नहीं है यार, ये खिलौने वाला है जो कि इनकी डाटर है, उसी के लिए खेलने के लिए लिए हैं, और यही है जो कि चलते रहिए।
और अभी हम लोग दर्शन करके निकले हैं, और इससे पहले आप लोग वीडियो जैसे कि देखे थे वो पनियावा का, तो वो भी था और ये भी, अभी आगे चलते हैं दिखाते रहते हैं आप लोग को। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हम लोग गाड़ी यहाँ पर अपने खड़ा किया था, और यहाँ पर जैसे कि गाड़ी खड़ा करने के लिए बहुत सारा जगह है, और अंदर जो कि मंदिर तर हम लोग जाकर घूम आए हैं। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और आगे चलते रहिए। असर जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, लिंक डिस्क्रिप्शन है में है, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यही किलो लिया हूँ यहाँ पर, तो लौटानी में यहाँ पर देख सकते हैं मोनचिक लिया है आधा किलो, मैंने लिया हूँ एक किलो। तो यहाँ पर मोनचिक ने तोला है, तो ये रहा हमारा एक किलो, और ये मोनचिक का है देख लीजिए। मोनचिक भाई, मोनचिक नाम नहीं है इसका, परवीन नाम है। हाथ में लिया है, खूब कोप लिया रहा है, खूब खा रहा है। तब हम लोग निकलते हैं इधर, सारा बाग है और इन सर्जी का सगरी बागे है जो लीची वाला है, तो कौर में बेच रहे हैं, बड़ा महंगा दे रहे हैं आप तो। 50 रुपए किलो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ पर 50 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि एकदम खेत में का है भाई। तो यही है, और यहाँ पर ये बेचने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं। और चलते हैं अब हम लोग घर निकलेंगे। और यहाँ पर हमने अभी आते में देखा हूँ कटहर का बहुत ज़्यादा पेड़ था, और खूब बढ़िया बढ़िया इधर कटहर फड़ा था। तो यहाँ पर गन्ना, जो कि अगल बगल पूरा गन्ना का खेती हो रहा है, लीची है, कटहल है, यही सारा चीज़ है देखने को मिलेगा आप लोग को। और बहुत ज़्यादा प्यारा इधर का जो कि लोकेशन है, और रास्ते भी यहाँ के मत पूछो भाई, रास्ते भी एकदम ख़तरनाक हैं। अपने यहाँ तो एकदम रास्ते बेकार हैं, तो यहाँ के रास्ते भी एकदम ख़तरनाक है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। तो आज हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं, और सर के साथ और हमारे दोस्त जो कि एक भोला जागता हुआ देख रहे हैं, इसका कमर दुखने लगा है बैठे बैठे, जो कि 200 किलोमीटर आते जाते लग गया है, और सर चलाए हैं, समझ जाइए कि कितना ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं। 250 किलोमीटर्स आज ड्राइव किए हैं, 250 किलोमीटर, तो समझ सकते हैं इतना ज़्यादा हम लोग गए हैं, फिर से लौट के चले भी आए हैं। इस टाइम हम लोग भरथुआ हैं, और जो कि भटनी से आगे भरथुआ पड़ता है। अब सर भी यहाँ से सलेमपुर इनका है, तो सलेमपुर ही चले जाएंगे। हम बाइक मंगाए हैं अपने दोस्त का, बोले हैं कि आओ लेकर बाइक, तो लेकर आ रहे हैं, तो चलते हैं सर। निकलते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और सर जी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।